नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माय हाउस. पहला मैं अपने डैड मॉम के बेडरूम दिखाती हूँ. कम इन कम इन. नो एक्चुअली बिफोर दैट आई विल शो यू द किचन. दिस इज द किचन. दिस इज माय फेवरेट प्लेस बिकॉज एवरीथिंग इज मेड हियर. खाना वाना सब एवरीथिंग मीनिंग फ्रूट से लेके भाजी से लेके आइस से लेके एवरीथिंग यू गेट इन द किचन ऑब्वियसली. एंड दिस इज माय डैड मॉम्स रूम. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग जब ये घर बन रहा था तो हमें मीनिंग आई वॉज नेवर एट होम. इट टुक 8 to 9 months टू मेक दिस हाउस. और ये सब जो भी इंटीरियर्स की दिस हाउस मतलब कभी अलाउ नहीं किया मेरे मॉम डैड ने. क्योंकि मुझे ये एक गंदी आदत है कि नहीं ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए ये करना है वो करना है. सो माई डैड मॉम डिडंट वॉन्ट दैट. दे सेड कि ठीक है यू नो यू कम ओनली आफ्टर द हाउस इज मेड. And when I came here, it was a surprise to us seeing this beautiful house. I'll show you my bedroom now. But please don't mind, क्योंकि मैं packing कर रही हूँ और बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है. तो let's go. This is my favorite TV because I had to convince everyone to buy a big home theater system because and my dad. Especially, he loves watching big screen all the time. Actually, हम लोग projector सोच रहे थे मतलब घर में रखने का. But obviously, we didn't have like a place to hang it or whatever. That's why we bought this home theater system. Come to my room. Oh my God. I'm sorry. This is in a mess. This is my room. That's the tiger, that's the soft toy that my boyfriend gave my sister as a gift. This is Joey, my favorite dog, because this hum log ne Miami se leke aaye the. And I'm sorry about the mess kyunki main Bangkok ja rahi hu aaj raat ko aur main aur meri behan packing kar rahe the. Wo sab mere line of joote hai, mere kapde hai aur mere bags hai. So I'm really sorry about the mess, but क्या करें, पापी पेट का सवाल है. हम बैंकॉक जा रहे हैं बेकरार की शूटिंग के लिए. सॉरी बेकरार नहीं, मकसद की शूटिंग के लिए. बहुत कन्फ्यूज हूँ क्योंकि मैं तीन फिल्में एक साथ शूट करती रहती हूँ. मकसद के लिए वी आर गोइंग टू बैंकॉक. वी आर गोइंग टू गो देयर फॉर 6 दिन के लिए जा रहे हैं. और डेफिनेटली दिस माई फर्स्ट ट्रिप टू बैंकॉक, सो इट्स गोइंग टू बी फन. सो दैट्स माई रूम. आइए आई शो यू इन टू माई बाथरूम. मेरे मम्मी डैडी ने सबसे ज़्यादा खर्चा बाथरूम पे किया हुआ है. एक्चुअली छोटी सी जगह है पर यू हैव टू कम इन एंड सी. जकूजी फिट किया हुआ है टब में और द इंटीरियर हैज़ बीन डन बाय माई मॉम. क्योंकि बाथरूम इज़ दी ओनली प्लेस दैट अ पर्सन कैन रिलैक्स. इसीलिए आप जाके देखिए. क्योंकि जकूजी है. बहुत मजा आता है. एंड आई लाइक टू रिलैक्स हियर क्योंकि ऑब्वियसली नहाने के टाइम ही सब रिलैक्स हो जाते हैं. सो कम मैं दूसरा बाथरूम दिखाती हूँ आपको. आई होप आपको घर तो अच्छा ही लगा होगा. एंड आई एम सॉरी बिकॉज इधर से उधर उधर से इधर भगा रही हूँ आपको. एंड दिस इज माई डैड एंड मॉम्स बाथरूम मतलब द बाहर का बाथरूम. एंड ये भी मॉम डैड ने ही डिज़ाइन किया हुआ है. ऑब्वियसली ये आपको ही अंदर जाके देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग मशीन है एंड टब है एवरीथिंग. Thank you.
लिविंग रूम. और अब तो पोजीशंस भी चेंज हो गए यहाँ पर, मम्मी डैडी और बहन के, शायद वो लोग बोर हो गए होंगे एक ही जगह पे बैठ के. तो आई एम गोना सिट एंड चैट विद देम अगेन. कोई नहीं बाकी रहा है यहाँ पर मेरे साथ, सो आई ऑल्सो से बाय. थैंक यू फॉर कमिंग और थैंक्स फॉर कमिंग एंड सीइंग माय होल हाउस. और सी यू, बाय.